गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.1 करने जा रहे हैं। फॉलोइंग सॉल्व द फॉलोइंग। सबसे पहले बेटा हमने ना ये साइन देखना है कि ये साइन किस चीज़ का है। ये प्लस का है ना, यहाँ प्लस बना दो और ये प्लस करो। फोर और टू आ गए सिक्स, सेवन में जीरो प्लस की सेवन, फाइव और फाइव टेन, और यहाँ पे एक वन कैरी, ठीक है। और यहाँ पे सिक्स सेवन एट नाइन थ्री एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व हो गए, ठीक है। यहाँ पे आ गया है हमारा ये। इसका भी पहले साइन ही देखो, ये हमने प्लस करना है जीरो में, टू प्लस किया जीरो, फिर फाइव आ गया, जो फोर आ गया, और जो फाइव और फोर बन गए हमारे नाइन, ठीक है। आगे फिर प्लस का ही साइन है, ठीक है। ये हमारा फोर आ गया और ये फाइव और फोर नाइन हो गए, सेवन और सेवन फोर्टीन हो गया। फोर्टीन लिखो यहाँ पे, फोर का यहाँ पे लग गया फोर, फोर्टीन का और वन यहाँ पे आ गया। सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व टू लग गया, ठीक है। वन यहाँ आ गया, ये फाइव है, ठीक है। सिक्स सेवन एट यहाँ पे एट आ गया, ठीक है बेटा जी। आगे हमारा फिर प्लस का साइन है, यहाँ पे भी जीरो में सेवन प्लस करेंगे सेवन आ जाएगा, एट आ जाएगा, यहाँ पे भी एट आ जाएगा, फाइव और वन सिक्स आ जाएगा, टू और वन थ्री आ जाएगा, ठीक है बेटा। आगे हमारा सम है माइनस का सम, हमने माइनस करना। एट में हमने किया जीरो माइनस एट आ गया, ये हमारा है एट और फाइव। अब देखो एट में फाइव निकालने हमने, थ्री आ जाएगा, ठीक है। अब ये नाइन है और ये फोर है, यहाँ पे फाइव आ जाएगा, यहाँ पे एट में से हमने टू निकालने, यहाँ पे सिक्स आ जाएगा, ठीक है। आगे हमारा है ये भी माइनस का सम है, तो हमने सब पहले ये देखो, ऊपर छोटी डिजिट है नीचे बड़ी है, तो हमने क्या करना है, कैरी करना है। टेन में से फोर निकालो सिक्स आ जाएगा, जहाँ पे एट रह गया ना, एट है तो यहाँ पे थ्री है। अब अपनी फिंगर कोड कर लो, थ्री थ्री, ठीक है, सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री, बाकी कितने रह गए हमारे पास, फाइव रह गया। यहाँ पे एक नाइन का नाइन लग जाएगा और यहाँ पे सेवन लग जाएगा, ठीक है। आगे है हमारे ये वाला सम, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन है, तो हमने माइनस कर देना है। ये हमारा नाइन में जीरो गया नाइन, फिर आ गया टू, यहाँ पे जे ऊपर जीरो है नीचे टू है, तो हमने यहाँ से कैरी लिया, टेन हो गए। टेन में से टू निकालो, ठीक है, एट, और जहाँ पे नाइन था ना, अब नाइन हो गया, यहाँ पे वन निकालो एट, और यहाँ पे कितने रह गए, सेवन है ना, सेवन है तो ये टू है, ठीक है। सेवन में से टू निकालो, हमारा आ जाएगा फाइव, ठीक है बेटा। आगे हमारा ये वाला सम है, ये देखो एट में से फोर निकालो फोर आ जाएगा, अब सेवन में से थ्री निकालो फिर भी फोर आ जाएगा, सिक्स में से टू निकालो फोर आ जाएगा, फाइव में से वन निकालो फोर आ जाएगा, ठीक है। आगे है हमारे सॉल्व द फॉलोइंग। अब ये है, ये भी प्लस ही है, ठीक है, प्लस करना है हमने। जीरो में फोर प्लस कर दो फोर आ जाएगा, ये एट है, ये सिक्स है। एट को बड़ी डिजिट को अपने माइंड में रखो, ठीक है, एट इन योर माइंड एंड सिक्स इन योर हैंड। एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व, ठीक है, थर्टीन फोर्टीन, ये फोर्टीन आ गया, फोर वन यहाँ पे आ गया, ये फाइव है, ये सेवन है, सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन, थर्टीन का यहाँ थ्री लगा, यहाँ पे वन आ गया, ठीक है। एट नाइन, एट नाइन टेन एलेवन, यहाँ पे एलेवन हो गया आपका, ठीक है। आगे है हमारा ये वाला सम, यहाँ पे साइन देखो कौन सा है, प्लस का है, इसका मतलब प्लस करना है। नाइन और वन टेन हो गया, यहाँ पे कैरी आ गया, या सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन, ठीक है। ये देखो ना, ये हो गया सिक्स और फोर हो गया टेन, ठीक है, और वन एलेवन हो गया, वन यहाँ पे आ गया, ये सिक्स सेवन एट है, यहाँ पे आ गया,
और ये नाइन है, नाइन को बड़ी डिजिट है ना, ये अब अपने माइंड पे लिखो और फाइव अपने फिंगर में, नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, तो ये आपका फोर्टीन आ जाएगा। ठीक है, आगे ये हमारा सम है, ये भी ऐसा ही है, प्लस का साइन है, नाइन और वन जीरो, यहाँ पे वन कर दो, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगी, यहाँ पे वन कर दो, यहाँ पे सेवन आ जाएगा। अब ये देखो एट है, एट को रखो अपने माइंड में और फाइव रखो फिंगर में, एट इन योर माइंड एंड फाइव इन योर हैंड, एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व और थर्टीन, थर्टीन का यहाँ पे थ्री लगा और यहाँ पे वन ऊपर कैरी आ गया। अब फाइव है, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, यहाँ पे नाइन आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे हमारा ये देखो, ये भी हमारा प्लस का है सम, तो ये सेवन आ जाएगा, ये फोर और फोर एट, ये थ्री आ जाएगा, ये फोर फाइव एंड फोर नाइन, ये सेवन है, सेवन एट नाइन, यहाँ पे भी नाइन आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, आगे हम निकालते हैं अपना नेक्स्ट सम, ये देखो हमारा नेक्स्ट सम है, इसको हमने करना है, ये थ्री डिजिट वाला है। ठीक है, ये हमारा कौन सा सम है, थ्री डिजिट वाला, तो हमने ये देखो फोर और वन फाइव आ जाएगा। ठीक है, एट नाइन टेन और ये सिक्सटीन आ जाएगा, सिक्सटीन का यहाँ पे हमने वन लगा देना। ठीक है, अब ध्यान से करना जरा, ये सेवन है, ये एट है, एट है ना, ये सेवन एट नाइन टेन इलेवन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, यहाँ पे सिक्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे वन लगा दिया हमने। ठीक है, अब हमारा ये देखो, ये फाइव है, और अगर फोर में फाइव करेंगे तो फोर फोर में फाइव करेंगे, वन प्लस करेंगे तो ये टेन बन जाएंगे ना, ये वहाँ यहाँ पे ये टेन और टेन इलेवन टेन और टेन और ये एटीन। ठीक है, यहाँ पे हमारा एटीन आ जाएगा। आगे हमारा ये भी प्लस का साइन है, ये देखो सेवन है, दो जीरो प्लस कर दी, सेवन आ जाएगा, एट नाइन टेन इलेवन, यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर वन कैरी कर दिया, सिक्स सेवन एट, यहाँ पे एट आ जाएगा, ये फाइव फोर है, फोर फाइव सिक्स, यहाँ पे सिक्स आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे हमारी फिर थ्री डिजिट वाली प्लस है, एट एट, ठीक है, एट और एट कितना सिक्सटीन हो जाएगा, सिक्सटीन का हम यहाँ पे सिक्स लगाएंगे, यहाँ पे वन लगा देंगे। ठीक है, थ्री और थ्री सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, यहाँ पे वन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने वन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे वन ऊपर ले गए हम, वन ऊपर ले गए, और ये हमारा बन गया एट, एट और नाइन सेवनटीन, सेवनटीन एटीन नाइनटी, एटीन नाइनटीन, और ये हमारा ट्वेंटी हो गया। ठीक है, दोबारा काउंट करते हैं, ये हमारा सिक्सटीन है, सिक्स का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा वन ऊपर आ जाएगा सिक्स, और ये सेवन एट नाइन टेन इलेवन, इलेवन आ गया, इलेवन का हम वन यहाँ पे लगा दिया और वन ऊपर कर दिया। ठीक है, और ये हमारा नाइन है, और ये टेन हो जाएगा ना, नाइन और वन टेन थर्टीन हो गया, ये हमारा पूरा ये तीनों डिजिट थर्टीन होगी, और थर्टीन में आप सेवन जब प्लस करो, थर्टीन है ना, थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन, और ये हो गया हमारा ट्वेंटी, ट्वेंटी है ना, ट्वेंटी की यहाँ पे जीरो आनी है और ये टू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब एट है, नाइन टेन है, ठीक है, टेन हो गया हमारा, तो टेन प्लस फोर फोर्टीन, और ये सिक्सटीन हो गया, यहाँ पे सिक्स आ गया और वन यहाँ पे लगा। ठीक है, ये फाइव है, सिक्स वन प्लस किया, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, यहाँ पे नाइन आ गया। ठीक है बेटा,
आगे है हमारा ये वाला सा, ये करेंगे हम पहले, ये सारा प्लस करना है। फोर और फोर एट हो गया ना, एट और सिक्स को करो काउंट, एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, ठीक है। फिर दोबारा करो एट और फोर और फोर एट हो गया ना, एट और ये नाइन है, नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, फोर्टीन का फोर यहाँ पे आना है या वन ऊपर आ जाना है। ये है टू थ्री और थ्री सिक्स, ये हमारा सिक्स सेवन एट नाइन, ये थ्री और टू फाइव, ये सेवन और वन एट, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब ये माइनस वाला सामना है, नाइन में एट निकालो, वन फोर में वन निकालो, कितने थ्री, एट में वन निकालो सेवन, एट में फोर निकालो फोर, ठीक है बेटा, ये हमारा ये वाला सामना है। अब हमने करना है के वाला, अब हमने ये वाला सम अपना करना है के वाला सम। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये डिजिट साइन कौन सा है, ये डिजिट है हमारा माइनस वाला, ठीक है। ये थर्टीन है, थर्टीन ये छोटा है ना, तो ये बड़ा, यहाँ से कैरी किया हमने थर्टीन हो गया, थर्टीन में से नाइन निकालो फोर हो गया, ठीक है। यहाँ पे नाइन आ गया, वन निकालो एट आ गया, जहाँ पे नाइन है, ठीक है, नाइन में से टू निकालो, नाइन में से टू निकालो सेवन हो गया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या है, नाइन आ गया ना, नाइन में से नाइन निकालो ज़ीरो आ गया, और ये हमारा एट में से सॉरी सेवन में से वन निकालो सिक्स आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये हमारा डिजिट बन गई है। आगे हमारा ये वाला सम है, ये भी निकालो, जहाँ पे हमने करना है ये वाला सम। तो ये हमारा जे वाला देखो, ये सेवनटीन आ जाएगा ना, जे ये माइनस वाला साइन है, तो हमने सेवनटीन बना देना है, सेवनटीन में से हमने एट निकालना है, तो कितने हो जाएंगे सेवनटीन, अपने हाथ में काउंट कर लो, ठीक है। ये जो हमारी ट्वेल्व होती है, ट्वेल्व है, ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन, एट निकालो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो बाकी कितने रह गए हमारे, बोलो, बाकी हमारे नाइन रह गए हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारा नाइन है, फोर फाइव निकालो फोर आ जाएगा, जहाँ पे हमारा टू रह गया ना, यहाँ पे कैरी हो गया, टू में से वन निकालो, टू में से वन निकालो वन आ जाएगा, ठीक है बेटा, टू में से हमने वन निकाल दिया। अब यहाँ पे हमारा ये कुछ वन है, तो इलेवन बना देना हमने, क्योंकि ये टू जो है, टू हमारा बड़ी डिजिट है, वन छोटा, इलेवन में से हमने निकाल दिया टू और हमारे पास आ गया नाइन, ठीक है। यहाँ पे फोर में से फोर जीरो आ गया। अब हमारा आ गया ये वाला सम, ये वाला हमारा सम आ गया। अब आगे ये देखो फाइव है, फाइव बड़ा है, जीरो छोटी है, माइनस का निशान है ना, फाइव आ जाएगा, यहाँ पे नाइन आ जाए, नाइन है तो ये फोर है, ये भी फाइव आ जाएगा, जहाँ पे नाइन है थ्री है सिक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नाइन है और ये टू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेवन, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सिक्स रह गया और वन निकालो फाइव आ जाएगा, ठीक है बेटा जी, ये हमारी ये वाले सम हो गए। आगे देखो ध्यान से ज़रा, आगे है सबट्रैक्ट एंड वेरीफाई द फॉलोइंग, हमने क्या करना है, इसको प्लस, इसको माइनस कर देना, ठीक है, और फिर इसको वेरीफाई भी करना है। ये देखो टेन में से फोर, क्योंकि जो छोटी डिजिट है ये बड़ी है, कैरी किया टेन हो गया सिक्स आ गया, ठीक है, हमारा सिक्स आ गया। फिर यहाँ पे कितने रह गए हैं, हमारा एलेवन, एलेवन में से थ्री निकालो, इलेवन में से थ्री निकालो एट आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे एट है ना, एट में से थ्री निकालो फाइव आ जाएगा। फिर हमारा एट में से
टू निकालो, ये हमारा सिक्स आ जाएगा, ठीक है। और ए नाइन में वन निकालो, एट आ जाएगा। अब वेरीफाई करना है कि हमारी ये जो डिजिट है, ये जो सम है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है, ये जो आंसर आया ना, यहाँ पे लिखना है एट सिक्स फाइव एट सिक्स। इसमें से छोटी डिजिट कौन सी है, तो हमने ये छोटी डिजिट ये लेनी है, ठीक है। डिजिट के नीचे डिजिट आनी चाहिए, तभी आपका सम ठीक होएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको प्लस कर देना है, ठीक है। फोर सिक्स और फोर टेन, ठीक है। और ये देखो टेन है ना, एट एट ऊपर कैरी कर दिया ना, एट नाइन, ठीक है। टेन इलेवन ट्वेल्व टू आ जाएगा, यहाँ पे वन कैरी हो गया, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन आ जाएगा, ये सिक्स सेवन एट आ जाएगा और ये नाइन। अगर आपकी जे वाली डिजिट और जे वाली डिजिट मैच कर रही है, पूरा आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब आपका जो वेरीफाई है, आपका सम बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हमारी ये वाली डिजिट पूरी आ गई है, ये देखो 98,920, ठीक है बेटा। इसी तरह से हमने दूसरा सम करना है, पहले हमने इसको ना माइनस कर देना, पहले हमने क्या करना है, माइनस, ठीक है। ये 13 है, 13 में से 7 निकालो, 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर 9 है ना, यहाँ पे फिर 9 आ जाएगा, 9 है, 9 में से हमने 6 निकाला, 4 आ जाएगा, जहाँ पे क्या हो गया 9 है ना, जहाँ पे हमने 9 में से 1 निकाला, 8 आ जाएगा, जहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये 3 बन गया ना अब, तो ये 2, यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। तो हमारी ये डिजिट आ गई, हमने वेरीफाई, स्टेप टू में हमने वेरीफाई करना, तो हम इसको वेरीफाई करेंगे। जैसे ये हमारा आंसर आ गया ना, इसको हमने ऐसे लिख के, और जो सबसे दोनों में से छोटी डिजिट है वो हमने इसमें प्लस कर देनी है। जैसे ये एट है, ये वन है, ये वन है, एट है, फिर वन है, फिर सिक्स है, फिर सेवन है, ये देखो। और ये आपको पता है सिक्स और सेवन हो गए 13, 13 का वन यहाँ पे, और ये सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, ठीक है। और ये देखो फोर और सिक्स टेन और वन इलेवन, ठीक है, यहाँ पे वन आ जाएगा। ये नाइन एट नाइन और टेन कैरी किया, यहाँ पे टेन आ गया, यहाँ पे भी नाइन और टेन आ गया, यहाँ पे वन आ जाएगा, ठीक है। ये टू थ्री फोर आ जाएगा, इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सम जो है ठीक है, क्योंकि जे वाली डिजिट और जे वाली डिजिट मैच कर रही है, पूरा आ रहा है, ये हमारा सम वेरीफाई, ठीक है। आगे हम करते हैं इसका नेक्स्ट सम। तो हमारा नेक्स्ट सम है सी, हमने क्या करना है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। तो 11 में ये छोटी डिजिट है, ये बड़ी है, हमें पता है कि हमने क्या करना है, 11 में से 4 निकालना है, 11 में से 4 निकालो, 7 आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे 9 हो गया, ये 1 8 आ जाएगा, जहाँ पे 9 है और ये 2 6, ठीक है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। जहाँ पे 8 और 2 निकालो, 8 में से 2 निकालो, 6 आ जाएगा। जहाँ पे 7 में से 5 निकालो, 2 आ जाएगा। तो हमने वेरीफाई करना है, हमने स्टेप टू में ये डिजिट लिखो पहले, 2 6 6 8 7, छोटी डिजिट कौन सी है इसमें से, तो हमने ये वाली लिखनी, इन दोनों में से छोटी डिजिट लेनी, 5 2 2 1 और 4, ठीक है। ये हमने प्लस किया, तो ये हाँ प्लस का साइन बना दो, 7 है ना, 7 और 4 7, 8 9 10 11, 11 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, ठीक है। 9 8 9 10 0, ठीक है। 6 7 8 और जो कैरी किया था, 6 7 8 और 1 9, 6 7 8 5 6 7, इसका मतलब सेम टू सेम डिजिट आ रही है हमारी ये वाली, इसका मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आगे है हमारा जे वाला,
आगे ये देखो ये वाली माइनस का निशान है, तो ये 17 और ये 9 है, 17 में से 9 निकालो 8 आ जाएगा, ठीक है। आगे ये क्या है 5 हो गया ना, 5 में से 3 निकालो 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 और ये 3, ठीक है। अब ये डिजिट को हमने वेरीफाई करना है, तो हमने कैसे करना है, 3 0 2 2 8, छोटी डिजिट कौन सी है इसमें से, ये वाली, ठीक है, जे 9 8 और 9 17, 17 का यह 7 1 ऊपर, 3 3 और 2 5 और 6, ठीक है, 2 और 2 4 0 और ये 4, वेरीफाई हो गया, ये सेम टू सेम डिजिट हमारी आ गई, ठीक है। आगे हमने करना है ये वाला सा, 11 में से निकालो, क्योंकि ये छोटी डिजिट है ये बड़ी है, 11 में से निकालो 11 में से निकालो 8 3 आ जाएगा, जहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा ना, 6 ने यहाँ पे कैरी किया, और जब 16 हो गया, 16 में से 7 निकालो, 16 में से हमने 7 निकालना है, तो यह हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है, 16 में से 7 निकालो, ठीक है। अब ये है हमारा 4 आ जाएगा ना, यहाँ पे 14 हो गया, 14 में से हमने निकालना है 6 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 8 0 आ जाएगी, यहाँ पे 7 में से निकाल लो 4 और 3 आ जाएगा। अब वेरीफाई करो हमारी ये वाली डिजिट को कैसे करना है। ये डिजिट लिख लो 3 0 8 9 3, ठीक है, इसमें हमने प्लस करना है ये वाली डिजिट 4 8 6 7 8, ठीक है, 8 8 9 10 11 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 यहाँ पे हो जाएगा, 10 और 9 और 1 10 और 17 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया 9 8 9 9 और ये 9 10 और 6 15 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक 1 कैरी कर हो जाएगा, 9 8 और 1 हो जाएगा 9 और 3 और 4 हो जाएगा 7, इसका मतलब ये सारी सेम टू सेम हमारी ये वाले डिजिट आ गया 79571, ये हमारा वेरीफाई हो गया है, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल हमारा आंसर जो है राइट है। इस तरह बच्चों जी हमारी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे, तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखो, टेक केयर।